Attack. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग एस। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले कुछ नया कुछ डिफरेंट। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर, यानी कि हमारे इंडिया के जो फ्यूचर आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। यस गाइस, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का इतना ज़्यादा ही आपका, मान लीजिए इंडिया में और बहुत सारे और भी कंट्रीज में, इतना ज़्यादा ही पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा ही इसकी मांग है कि लोग इसके ऊपर पढ़ापढ़ी कर रहे हैं उसको पाने के लिए। यस गाइस, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्यों पता है? क्योंकि जब से ओला S1 प्रो, जो कि एक बहुत ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक अच्छी पहचान हो सकती थी, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए पहले। क्यों पता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जब लॉन्च हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा फीचर्स बताए गए थे, बहुत ज़्यादा AI सॉफ्टवेयर और बहुत सारा मॉड्यूलेशन बताया गया था। लेकिन अभी जब वो लॉन्च हो गई है, जब लोगों के, ग्राहकों के, कस्टमर के हाथ पर आ गई है, तो उन्होंने, यानी कि ओला S1 प्रो और जो भी दूसरी एक ओला S1 है, उसने अपने जो मांगी थी उस पर वो खड़ी उतरी है कि नहीं? तो आपको आज खड़ी तो उतरी, लेकिन 70%। यस गाइस, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है 70%? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दे दिए, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ ऐसे कोई खास काम नहीं करे, क्योंकि वो 80% काम कर रहे हैं, 20% वो लैग, वो बग्स, वो तो आते ही रहते। लेकिन आज हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या फिर पर्सनली ओला S1 प्रो की बात नहीं करने वाले, मैं जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर बहुत हाई लेवल पर है। यस गाइस, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या नहीं, यू शुड बाय और नॉट। सो लेट्स बिगिन, इस वीडियो में स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, हम आपके इस मौके पर जरूर खड़े उतरेंगे, ये हमारा वादा है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो हमारी बात आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत ऐसे क्यों लगी कि हमें इसको चाहिए? क्योंकि पेट्रोल डीजल की भाव तो एक नंबर पे है, जो कि रॉकेट हाई से भी ऊपर जा चुके हैं। यस गाइस, अर्थ की एक और सपाटी से भी एक नेक्स्ट लेवल की सपाटी पर अपने जो प्राइस है पेट्रोल डीजल की, वो हाइक हो गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल की हाइक तो वो एक नंबर है, लेकिन उसके और भी अलावा हमें पॉल्यूशन को घटाना था, हमें इको फ्रेंडली बनाना था, अर्थ को सेव करना था, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल तरफ ले गए। यस गाइस, अब हम इसको बात करने हैं, लेकिन जो इसमें यूज़ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होती है, वो ज़्यादातर चीज़ें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, दूसरी बैटरी होती है और एक अच्छा सा AI सॉफ्टवेयर जो उसको मैनेज करता है, वो होता है। तो इसके अलावा क्या होगा पता है? जो भी नई अभी स्मार्टफोन ब्रांड है, जैसे कि AMI है, Apple है, वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है, क्योंकि उनको पर्सनली अपना इंजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या फ़ायदे नहीं है। यस गाइस, गुड आइडिया टू रीजन टू बाय एंड बैड आइडिया टू अवॉइड इट। यस गाइस, तो आज सबसे पहले हम मैं बात करता हूँ उसके गुड रीजन की। तो गुड रीजन क्या है, गुड रीजन की बातें करेंगे ना पहले? हाँ, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सो सबसे पहले हम उसके गुड रीजन की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक बात आती है कि हमारा मनी विटामिन एम, यस गाइस, वो कम हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक बात करते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम हम जब लेने जाते हैं तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन उसका तो कोई बात नहीं है। जब हम रूटीन इसको यूज़ करते हैं तो हमारा जेब खर्च कम होना चाहिए, ऐसा ही हमारी पूरी मानसिकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक का जो चार्जिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है पेट्रोल डीजल के भाव से। यस गाइज, लेकिन अब हम इसके एक रीज़न की तो बात करके जो हमें उसकी तरफ आगे ले जाता है, और दूसरी बात है उसका मेंटेनेंस। कुछ इसमें ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस होता नहीं है, और जो भी सर्विस चार्ज है वो सब कंपनीज देती है। उसके बाद इसमें कोई नंबर प्लेट और वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इको फ्रेंडली जैसे मैंने आपको बताया, वो सब तो बहुत सारे फीचर्स है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डीजल इंजन वो सब तो कुछ है नहीं, तो एकदम लाइट वेट होती है, पता है ना आपको, और नॉइज़ भी नहीं करती। ये तो उसके भी गुड रीज़न टू बाय, लेकिन उसके बहुत सारे अभी बैड रीज़न भी है। यस गाइस, और बैड रीज़न शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुड रीज़न से ज़्यादा है, क्योंकि वो सेफ्टी से परे है। यस गाइस, हमारे पूरी जीवन, हमारी पूरी लाइफ सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ओला S1 प्रो की, जो कि बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनलिटी के साथ बनाई गई थी एक एक्टिवा, यानी कि एक स्कूटर, उसमें खड़े खड़े ही आग लग गई। यस गाइस, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ, आप सोचिए कि वहाँ पे एक ओला S1 प्रो ही है नया मॉडल, उसमें सिर्फ खड़े खड़े उसमें आग लग गई और पूरी एक्टिवा, यानी कि पूरी जो स्कूटर है वो जलकर खाक हो गई है। यस गाइस, ऐसा
तो उसमें क्या है पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी होती है। और अब मुझे तो वैसे नहीं पता या फिर कंपनी को भी नहीं पता है कि अभी उसमें रिसर्च चल रही है कि ये आप कैसे लगी। वैसे एक हाइपर मोड आता है जहाँ पे फुल एनर्जी का यूज़ करते हुए कभी बैटरी में शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ होगा तो आग लगी हुई। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक ही स्कूटर में रखा ना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे ही दूसरी घटना भी घटित हो गई है। अभी गुजरात के एक जिले में एक बहुत पूरा ट्रक भरा हुआ था, उसमें पूरी ही 40 से 50 ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर भरी हुई थी, लोड हो रही थी। और वहाँ पे सिर्फ एक में आग लगते हुए पूरी 40 से 50 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर थे वो यस गाइस वो पूरी ही जलकर खाक हो गई। और सब लोग वहाँ पे देखते ही रह गए। और उसकी क्या है पता है, वो सब जो देख रहे थे, वो जो सब वीडियो उतार रहे थे, जिसके पास अभी वीडियो जा रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो रेपुटेशन है वो ऊपर से डाउन हो रहा है इस गैस। और अभी मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे सफर कर रहे हैं, अचानक से आग लग जाए तो हमारा क्या सेफ्टी का उसमें नो मैटर। उनके लिए जो कंपनीज ब्रांड है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद हम अब ऐसा क्यों हो रहा है बताएं, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना इन्वेंशन होके, तो उसमें बहुत सारे बग, बहुत सारे ऐसे हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसी जो हम लेगिंग बोलते हैं वो तो होते ही रहती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसे थोड़ा टाइम देना है। यस गाइस, हमें ऐसा नहीं कि अवॉइड हमें कर देना है, क्योंकि जब कोई भी स्टेज हमें, अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, कोई नए मोबाइल की बात करें, तो उसमें जब स्टार्टिंग में कुछ नया इनोवेशन होता है तो उसमें वक्त तो आता ही है। लेकिन हमें उसको अभी थोड़ी देर रुक के उसका जो इनोवेशन है, उसका जो नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसको हमें यूज़ करना है, उसे हमें देखना है, फिर हमें एक राइट डिसीजन करना है बाय करने का। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और वैसे तो मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ नहीं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और आपको कहीं भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट तो करना है, लेकिन उसके पहले वेट करते करते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इंट्रो भूल से बोल दिया, कोई बात नहीं। तो बाय, मिलता हुआ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।